वुकला होंगे और कुछ लोग होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। इसलिए जो कारकुन है वो खासे पुरजोश भी है, वो कोशिश उनकी यही है कि वो हाईकोर्ट हाथे में तमाम के तमाम लोग जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जिस तरह सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इमरान खान को, तो उस हवाले से किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि कोई और जो शख्स है वो कारकुन की आड़ में कहीं अंदर दाखिल ना हो जाए। तो इसलिए तमाम को कोशिश की जा रही है बाहर रोकने की, लेकिन इमरान खान की गाड़ी जो है वो इस वक्त हाईकोर्ट गेट के बिल्कुल सामने है और कुछ ही देर में वो अंदर दाखिल होंगे। और कोशिश उन्होंने बड़ी किया है, बड़ी तेजी से गाड़ी को लाए हैं ताकि वो 5:30 बजे तक यहाँ पर पहुंचे, और वो खासे कामयाब भी रहे हैं इमरान खान इस सूरत हाल में, क्योंकि कारकुन बहुत ज्यादा है। पैदल 6 से 7 किलोमीटर का ये फासला है और लोग पैदल चलकर साथ आए हैं, गाड़ी के साथ भागकर आए हैं। ये बड़ी देखने वाली बात है कि कारकुनों का जोश है कि वो पैदल गाड़ी के साथ चलते रहे 6 से 7 किलोमीटर। और गाड़ी का अगर काफिला देखें तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो है ये बिल्कुल जो उनकी ट्रेल है वो बिल्कुल हम देख रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, कारकुनान बहुत पुरजोश हैं, गाड़ी के ऊपर सवार हैं और गाड़ी अंदर दाखिल हो रही है। अजी गाड़ी जाहिर है जब गेट खुलेगा उसके बाद कारकुनों को कहा जा रहा है कि वो नीचे उतर जाएं, साथ साथ जो यहाँ पे मुकामी लीडरशिप है उनको कहा जा रहा है कि आप नीचे उतर, लेकिन कारकुन जो गाड़ी के साथ हैं जो ऊपर बैठे हैं वो ना नीचे उतरने को तैयार है ना गाड़ी का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान गाड़ी अंदर जाएगी उस वक्त तक वो उनके साथ रहेंगे, लेकिन कोशिश की जा रही है कि तमाम कारकुनों को साथ साथ ऐलानात किए जा रहे हैं कि आप इमरान खान की सिर्फ गाड़ी को अंदर जाने दें और जो मुकामी लीडरशिप है वो अंदर जाएगी, बाकी तमाम कारकुन बाहर ठहरे हैं। लेकिन जो गाड़ी के ऊपर हैं, जो गाड़ी के साथ चिपके हुए हैं सिक्योरिटी जो के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं कारकुन, वो उनका यही इसरार है कि वो साथ गाड़ी में गाड़ी के साथ ही अंदर जाएंगे। जी ठीक है रियाज, हमें बता रहे हैं कि ये जो गाड़ी है जिसमें इमरान खान है, और अब ये गाड़ी हम देख रहे हैं रियाज, ये गाड़ी रिवर्स हो रही है, बाहर आ रही है, इसकी क्या वजह है? इसलिए बाहर आ रही है गाड़ी, तो कोशिश की है कि वो जो कारकुन गाड़ी आगे चुके आगे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अच्छा। वो रास्ता क्लियर करने के लिए है कि ताकि गाड़ी जो है वो इजीली अंदर आगे तक जो अदालत है कमरा अदालत के गेट तक वो पहुंच सके बआसानी। यही वजह है कि तमाम लोग जो है जो कारकुन है उनको कहा जा रहा है कि वो पीछे हट जाए ताकि किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो, किसी कारकुन को गाड़ी ना लग जाए, कुछ किसी का कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो साथ साथ ये इस किस्म के ऐलान भी किए जा रहे हैं। और पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो हिदायत दे रहे हैं। जी जी पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आप पीछे हट जाएं, सिर्फ खान साहब की गाड़ी को अंदर आने दें, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा। वो कारकुन जो है वो उनका एक ही वो बजिद है कि वो जो गाड़ी के साथ हैं जो गाड़ी के ऊपर है वो साथ जाना चाहते हैं, उन्हें मत रोकें। लेकिन जो पीटीआई के जो रहनुमा है वो भी साथ साथ उनको कह रहे हैं कि आप खान साहब की गाड़ी को जाने दें, अंदर सिक्योरिटी मौजूद है, हमारे लोग मौजूद हैं, लेकिन जो कारकुन साथ आए हैं